जय श्री राम। बात कहता बार लागे, हों कराली बात प्यारी लागे। सवा मन को गूगरो एक मुर्गो बांध्यो जाए, रापला को घेंसलो साडी 17 हाथ। राम बचावे तो बचे, बचे न मारी बात। ये सब राम जी की माया है। राम जी बचाव लो, जे बचे लिए अन्यथा काहे कौन बचे। तो साहब एक गोरा बादल और बारा बादल छ, दोनी भाई छा, दोनों अलग अलग होगा, दोनों ने राजपाट अलग अलग संभाला दिया। तो साहब एक दिन बारह बादल शिकार खेल गए थे जंगल का मायने। तो एक शेर की शिकार करया, तो उन्हें जंगल का मायने एक बावरियो भी छो। तो राजा निशानो साध्यो, जीसु पहली पहली वो बावरियो उन्हें ढेर कर दियो। राजा को तीर लागो, लेकिन पहले तीरों को बावरिया कोई लागियो। तो राजा देखियो आसपास बावरिया ने, भाई मोबर पहले तीर कौन जी, तो बावरियो निकलो जाती सु। तो बावरिया ने वा मार बना तैयार हो, बोले मारो शिकार, तू कहीं चलायो बाण। कच मारा शिकार तो कोई को ना शिकार तो जे कर ले कोई शिकार च नहीं। कच मैं राजा छू। राजा क्षमा करो, मुन ध्यान थोड़ी छो, और था अगर अतरो न सोचे तीरंदाजी को, तो थे करो था कि रानी का नथ में नींबू टाँक और उनकी दो फांस करो तीर सु जो जान जाओ मत ना बाजे तीरंबाज। तो राजा साहब चाल दियो घर जा, रानी ने बोल रानी हमारा कच ना ले और दो ले छणगार कर और नथ में नींबू टाँक कर तू नीचा ना जा। राजा को कम सो, रानी ना दो स्नान ध्यान कर करार नथ में नींबू टाँक कर नीचा ना आगी। और जब सीधी खड़ी हो जाएगा जब हमारे थे था रही कि मतलब नींबू की दो फांस करनी से, तो रानी खड़ी होगी। तो साहब राजा तिरछी खड़ी कर दियो साइड में आनी, और राजा साइड में सुनी साणो साधियो तो नाक का पास सु आएगा नथ का दो टू मतलब नींबू का दो टू को जमीन माले पड़गा। तो साहब अब आवरियो तो एक बार देख हो छो, और राजा रोजिना शिकार कर रहा तो रोजिना ही आई करतो रानी का नथ में नींबू टांग दो फांसू की करतो। तो साहब करता करता मैं अच्छे मैं होगा तो रानी सूख और बिल्कुल पतली होगी, बिल्कुल पतली। तो 6 महीना हो गई बात ना चालता, रानी पतली है होगी अगर कोई दिन अगर राजा जी को निशानो चूको को गए ना, तो अपनी नाक वाक भी कट सके, अपना सिर भी कट सके, कहीं भी हो सके। तो साहब संजो की बात, भाई बहन सुमल बना गो रानी सु, और रानी ने देख और भाई पूछे जो बहना तू खूब मोटी थी तो मैं कहीं दुख हुई हो, तू अतरी बोधी गया होगी या बता। कच कहीं बात को ना भैया, नहीं नहीं कहीं ना कहीं बात है बहना, तू बात छुपा रही छ। कच भैया थारो जीजो सा छे वो मारा नथ में नींबू टाँक करवा की दो फांस करे छे, अगर कोई दिन वो निशानो चूक गो तो मैं तो गई काम सो। ठीक छे बहना, मल लिया बैठ लिया, सुबह उठ जल्दी हो चल गो, लेकिन जातो जातो उन्हें एक राय देगो, अगर जद भी तो राजा आओलो हेला दे लो, तू नीचे उतर जो ही मैला सुनी उतर जो ही मत, और अरोस खा और थार मल तलवार ले और थारे छाती पर बैठ जलो, थारी कत्ल करवा के लिए तो तू है बोल दीजो, तू भाई मार का फूलम देगा फल का ही खुआ दे लो मुन अतरो रोस करियो। तो साहब राजा आयो शिकार खेल, रानी 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 बोले कौन है, बांधे ने आवाज लगाए बांधे भी कौन बोले, और रानी रूसने महल में भी जा रस होगी। तो राजा महल में देखियो कौन लादी, फिर रूसने महल में जा देखियो तुम रूसने महल के मायने पड़ी केस खुला, श्रृंगार कौन कर मिली, जेवरान सारान कौन मिली। तो हालत देख राजा को गुस्सा और भी भड़क गो, तो आज ये उनको तलवार ची ले अरु की छाती माला बैठ गो, अगर रानी आज तुम्हारो अणखयो करी जे अतरी आवाज लगा दी तू सुनी को ने। कचे राजा साहब थे अतरो मार माला रोज कर रिया छो, सारो घर को काम मतलब रोटी फल का मैं था ने जीमाऊं, तो अच्छा रोज कर बड़ा तो मार देगा फूल हम देगा फल का ही खुआ देला मुने जद जानूंगो। तो साहब राजा ऊपगा की ऊपगा वापस उठ्यो, और जो उनको रथ चालक छो
હું કુવા છું નાઈ, ભીખ લ્યો નાઈ. કહે ભીખ લ્યા? કહે હા મહારાજ. કહે રથ ઘોડાને તૈયાર કર લે ઓર ફટાફટ આજા. તો સાહેબ ભીખ લ્યો નાઈ રથ ઘોડાને તૈયાર કર કરા ઓર બેઠ બેઠ ભીખ લ્યો નાઈ ઓર રાજા ઓર સીધા હો લ્યા. તો રાણી પાછે પાછે ખૂબ ભાગ્યું કે રોકી આગા ઓર ખુલ્લા કેસા કી નારી ભી ખંદાઈ અબ શકુન કર બાકી લી. લેકિન રાજા માન્યો નહીં, રાજા કે હટ, क्योंकि जोग हट, बाल हट, तिरिया हट, राज हट, तो ये हट छी तो चाल दियो साहब राजा साहब. तो आगा ने जा दो रस्ता जाओ छे, एक 6 महीना को और एक 12 महीना को. तो नुक्कड़ माले रोक तिराया पे और बीख लिया नाई ने पहुँचे जो आके बोल बीख लिया 6 महीना का मोर चला या 12 महीना का मोर चला रास्ता मोर. बोला महाराज जी मुझे समझाओ 6 महीना का हम कहाँ छे 12 महीना का हम कहाँ छे. કે 6 મહિના કમાઈને તો આપણને એક જંગલ કમાઈને નહાર બી મળેલો, ચોર ડાકુ બી મળેલા ઓર સભી તરહ કા લુટેરા ફૂટેરા મતલબ જે બી છે સબ મળેલા. ઓર 12 મહિના કા મહારાજ? બોલા 12 મહિના કા કમાઈ તો ચાહે આપા પૂરો સોનો ચાંદીશું લે ફે દૂર ચલ જાઓ ને તો આપણને કોઈ રોક ટોકર વાળો કોન. કહે મહારાજ ફે તો 12 મહિના કા મોરી ચાલો. કેવું ના આઈ છો ડર પે છો? કહે નહીં બીખ લે ચાલાંગા તો 6 મહિના કા મોરી એ મોર ચાલ. કહે મેં છું તું ચિંતા મત કર. તો સાહેબ રાસ્તા કમાઈને ચાલ્યા તો ડકેત મળ્યા. અબ રાજા છે સારી સામગ્રી છી તો ડકેતાને બી માર્યા. આગાને બૂથ જંદ મળ્યા વાને બી અમુક કાંઈ ભોગ બલાસ દીયા. ફિર લાસ્ટ કમાઈને જંગલ કમાઈને ઉને રાત હોગી ઓર હુંડઈ છો નોહતો નાર. તો સાહેબ રાત હોગી તો એક બડકો પેડ છો જી કમાઈને બેઠગા ઓર ભીખ લે ના આવીને બોલ્યો રાજા કે તો તું સો લે 12 વજે તક યમ મેં સો લ્યું ઓર યા ખાંડો છે માર કને ઓર એ ખાંડાને તું પાસમાં રાખજો તો એ ચમકતરી છે કે ચમક સુઈ છે ને જેઓ શેર આપણે પાસ કોણ આણો જો કહો મહારાજ. તો સાહેબ રાજા સાહેબ સો ગા અરે ભીખ લ્યો નાઈ બડ મજાર સો ગો રથને છોડ ઓ તલવાર લેર બેઠ ગો. તો સાહેબ રાત કા 12 વજ્યા ઓર ભીખ લે નાઈ જી ભી સો ગા. તો સાહેબ ભીખ લ્યો નાઈ ભી સો ગો સા. તો ઊંડી સુનો તો નાર આગો ઓર રાજા કી છાતી મળે છડગો. રાજા કી છાતી મળે છડ તાઈ ભીખ લ્યા ભીખ લ્યા ભીખ લ્યા ભીખ લ્યો એક શેલી કો બલ રહે છો હું કો માય જાર કુછ કો ડર કો માર્યો ભાઈ આપણને ખાવ લો. તો સાહેબ રાજા હું ને કહ્યું કે ભાઈ તું જંગલ જંગલ કો રાજા છે અરે મેં રાજ્ય કો રાજા છું. તું 10 કદમ દૂર હટ જા ફિર આપા દોની ઓર કુણ જીતે લો કુણ હારો લો ફેંસલો પાછો ઓલો. તો સાહેબ નાર 5 કી 10 કી જગ્યા 20 કદમ પાછા નટગો. અબ રાજા કને દૂધધાર્યો ખાંડો છો દોની તલવાર છું મતલબ દોની મૂછું ચાલ વાળો ખાંડો છો. તો સાહેબ 10 કદમ 20 કદમ પાછા ને હટ્યો તો વા દાંડ્યા દાંડ્યા કા નામ શું ચીડે છો? અબ વા કહે આજા ભાઈ નોતા નાર. અબ નોતા નાર ને બી ડર લાગ લોકો. અરે કહે દાંડ્યા આવ્યો કોને કાંઈ રે? તો દાંડ્યા કા નામ અભી કહ્યો તો વા દહાડ રહે કે આવ્યો તો રાજાઓ કી ખાંડા શું દોફાંસ કર દીએ. દોફાંસ કરતા સાહેબ શેરજી ખતમ. ભીખ લ્યો 1200 નકટાયો. ઓહો મહારાજ થે કાંઈ કર્યા? મેં દેખો શિલિકા બલ કમાઈને ઘુસગો અને મહીને પાઠા સુઈ માર દેતો. એ પીપળ કા પત્તા ઇકઠ્ઠા કરી મેલ્યો છો મહીને બજારી બગા દેતો. કહે ભાઈ ચાલ કોઈ વાત કોને તું સારા કામ કર લેતો. લેકિન અબ એક કામ કર, એ નાર કા કાન કાટ લ્યા ઓર પૂંછ કાટ લ્યા યત્રો શું કામ કર. કહે ઓહો મહારાજ અન્ના થા કહે મા કા બાપ દાદા કહે રીતિ રિવાજ કોને ના કાન ઓર પૂંછ કાટ બાકી મેં તો કોણ કાઢું મહારાજ ઓર કાંઈ કામ ઓડ દઉં. અબ ઢૂંઢ તો ડર લાગ રહ્યો છોક વા તો ડર લાગ રહ્યો જી કો મારે કોણ જારી લગાવી દીયો કે ભાઈ મારા બાપ દાદા કે રીતિ કોને ચાલ કે કોઈ વાત કોને. રાજા સાહેબ ઉને કાન ઓર પૂંછ કાટ લે ઓર આપકા રથ કમાઈને ધર લિયા. અબ નગરી સુ જંગલ સુ બહાર નીકળતા હી હું જે રાજા કો એર્યો છો ઊંઘી નગરી છી. તો ઊં નગરી છી તો નાર માળે એક શરત છી શેર માળે અગર જો બી એ શેરને મારેલો હું કે સાથ મારી બેટી પ્રણાદી જાવલી. તો સાહેબ શુભ તો હલ્લો ગો ઓર રાજા
लोगो तो राजाओं ने दोनी फांसा ने एक ठोरा कर और वन सही तरीका से लगाया जो वह जंगल को राजा छे। तो साहब एक गुआले छो तो डांडिया का नाम सु गुआले सु डरपे छो। तो वह दिखियो ने जंगल कमाए ने तो गुआले बोले डांडिया गयो कोने कहे रे डांडिया गयो कोने कहे रे। तो गयो कोने तो जा रहा हूँ लटकी दियो तो लटकी देता है वह दोनी फांस है क्या उथल पुथल होगी। तो सारा गुआल लाग लूग और उनका खूब मारे उन्होंने और आर नगरी में आवाज लगा दिया अगर रामनाथ गुआले उन खत्म कर दियो। तो साहब यह बात होता ही बात रानी की राजा की लड़की तानी पहुंची तू की सहेलियां उस वहां से कर रही चल रहे तू राजा के ब्याती ने अब तो गुआलिया कई ब्यावली तू जग फलानो गुआल छे उनके साथ थारी शादी होली। तो साहब श्याम नाम काश जुड़ गो सभा जुड़ गई वहां की सभा जुड़ी। तो साहब सभा का मैंने राजा जी भी पहुंच गया। तो कुछ भाई पंडित लोगों यहाँ को टाइम मुहूर्त काढ़ो ब्याह सावा को। तो साहब अत्रो कहते हैं राजा बोले कि साहब मारे भी एक निवेदन से थे पहली ग्वालिया तो पूछ लियो भाई उनका कान पूछ भी कोड़ छे दगा मारियो छो नुआ। अरे कहते महाराज उनको मायने ग्वाले बोले कहते वो तो लठम लठा का मायने सारा टूट टाट का पूछ पूछ काहे को सबको कचरो कर दिया। अच्छा कहते हाँ कहते जा आपने रथ मसू ले रहा कचो कान और पूंछ तो बीख लियो गयो और रथ मसू कान और पूंछ काट लिया और उन सभा का मैंने घेर दियो। घेरता ही जान गा खां भाई ये शिकार तो राजा ही कर सके चाहिए कि उसकी बात कौन है। तो साहब उन उनका प्रण दिया और उन ले और वो आपके फूलम देने ले बचे लगा गाने। तो फूलम दे को मतलब यह छो अकवा एक फूल सुई रोजिना तुलब करे छी। तो आगली नगरी के मायने पहुंचा तो प्रकोटो जो बहुत बड़ो सारो विशाल प्रकोटो। तो उमें शर्त यह ची भाई फूल हम दे उनके साथ ही ब्याई जाओली जे प्रकोटा ने प्रकोटा का ऊपर से कोई अंदर चल जा लो उनके साथ ही फूल हम दे प्रणाई दी जाओली। तो साहब राजा श्याम किसी टाइम हुई और रात किसी टाइम हुई और घोड़ा के लगाई चाबुक। तो आधी दूर पहुंचे और घोड़ो नी चाब लगी और फिर दूसरी चाबुक लगाई। तो दूसरी चाबुक का मैं तो ठेठ बाउंड्री का मैंने घुस को अंदर और फूल हम देसु मल मला और सुबह तो मतलब मल मला रात की रात नीचा नागोरु नगरी का मैंने सोगा। तो साहब सुबह माली रोजना तोल बजे छो उन्हें तो माली उन्हें तोलियो तो एक फूल लगाई वह एक डोखलो गई मतलब डोखला को मतलब जो बर्तन आओ जो भरियो 10 10 20 20 किलो को वहां से भी तुलवा मको ना अतरो वजन हो गो कमाई ने क्यों कदी वह इंसान की हवा को लागेड़ी जी उनके। तो जही दिन उनके इंसान की मर्द की हवा लागी वो दिन से को वजन बढ़ गो। साहब सुबह आमकाश जुड़ गो आमकाश जुड़ मीटिंग होगी बोलिया ये फूल हम देसु मल रखना आयो छो और दूर दराज का जो भी राजा से वहां सबने बुला लिया गया। अगर भाई जो भी राजा हो री परकोटा ने फलांगलो उनको शादी तुरंत कर दी जाओली। तो साहब सब दूर दराज का राजा आया लेकिन वो परकोटो बहुत विशाल हो बा के कारण कोई कौन पा मतलब उन पहली पार कौन पहुंच गयो परकोटा ने फलांगर कौन पहुंच गयो। तो वही राजा जी रात ने मिल रहा है जो वह लगाए चाबुक और जार फूल हम देसु मिले और वापस आ गो। साहब तो फूल हम दे का फेरा उनके साथ करवा दिया। तो ले बतो फूल हम दे गए तो लाल हम दे आएगी और फूल हम दे आएगी। अब आगा ने फिर एक विशाल जंगल पड़ो छो तो फूल हम दे के माने तेरी खुशबू आओ छी जे आसपास का जीव जनावर हाथी ई मगन हो जाए जो खुशबू को मायने। तो साहब उस जंगल का माने एक ऐरावत हाथी रह छो। तो जय जंगल मोर निकलिया तो वह उनकी फूल हम दे की खुशबू सु ऐरा होता थी वहां के पाछे लागो। सब तो पाछे लागो तो राजा उनका तीर चला दियो खूब लेकिन वह हाथी ऐरा होता थी रगो और डटियो कौन। सब तो फूल हमदे बोली अकि या अया रुकबाड़ो कौन है। तो उन बोल रही छे बारा बादले बांकड़ा बावन तो मैं बीर अगला बगला जड़ दिया राजा ने मारे दो तीर। यानी
अगर राजा तो इन्हें चारों तरफ सु बींद दियो, अगला सु ई साइड सु ई साइड सु सामना सु हाथी सुन गूंड सब कुछ बींद दियो, लेकिन ये हाथी पाँव वाँव समय बींद दियो, हाथी अँ कौन रुके। और था कि तुनीर में दो ही बाण बचा चे तो दोनी बाणी का आँख्या का मायने लगा दियो ताकि यह ईंडे गींडे ही रुक जा लो। तो राजा वास तुम सोचो कि बात तो सही है। तो राजा दोनी तीरू नैन का मायने लगायो और वह ऐरा होता थी ऊंडे ही रुक गो। अब आगा ने पड़ा चौका गोरा बादल का घर नगरी, तो गोरा बादल की नगरी पड़ी जी, तो वो नगरी मोरियो निकल जानो रास्त ऊंडी और तो उन सेना छी पहरादार, तो भाग्या भाग्या राजा कन गया। कहे महाराज महाराज महाराज, कहे फराद फराद, कह कहें कि फराद, कहे महाराज आपन मारो तो एक सेना आ रही थी विशाल जी आक्रमण कर पाता नहीं आ रही थी, तो सेना का तुरंत तैयार कर दी जाओ राजा को कम हो। तो साहब सेना तैयार होगी आपस में आप आपका हथियार लेकर खड़ा होगा, लेकिन गोरा बादल या खर्जो जत्र शाम लाला सु कोई तीर बाण या भाला कुछ भी चलाओ उन बाद में अपना आक्रमण करना है। तो साहब जय 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 नजदीक आया, जय जय आपस में ध्यान पड़ियो, तो दोनी भाई नजदीक आ गया, आपस का मायने मिलया बाथा मिलया और बहुत प्रेम सु सारी नगरी का मिल रुआ ने सेना ने जीवा की सेना जी राजा की बारह बादल की उन्हें ना खानो दानो खिलाया भाई, ऊट बैठ खानो दानो खाया, एक दो दिन रुकिया और वो फूल हम देने ले जा और रानी के पगा लगाया और रानी उन्हें आशीर्वाद दी और राजा सु क्षमा मांगी। अगर राजा मैं आवेश में आऊँगा नहीं रानी था और कोई दूसरों को नहीं मारी विवेक खत्म हो गो, अगर वास्तव में अगर एक बार भी मैं चूक जा तो तारी जिंदगी खराब हो जाती। तो साहब फूल हम दे लिया और पग लगा दिया और यही बात यही चीत पहला घर की बीत चौकी लागियो तो थे राग लियो और बरी छे तुम्हारी माँ कहने से। जय सिया राम जय सिया राम।